बात्या गुलाब को नहीं आसिला नुआ अपडेट बात्यारे परिणत हेबाकु जाउछि बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा अवपात जहा कलिंगपट्टनम ठारे स्थलभाग छुईब बोली आशंका करा जाउछि। तो फ्रेंड चलंतु एही खबर संपूर्ण रिपोर्ट देखिबा हमें वीडियो माध्यम रे। हेलो फ्रेंड नमस्कार, मोरने आपण माने देखुछंती एसएलटी बडिया। तो फ्रेंड असंतु नजर पकाइबा आज रे ही पाणी पागर खबर उपरे। बंगोपसागर केन्द्रीभूत अवपात नहीं पारे बात्यार रूप। एबे यहा पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर रही बेले आसंत 6 घंटा मध्य गभीर अवपात रे परिणत हेबो। एहा बात्यारे परिणत होई पारे बोली पूर्वानुमान करिछि पाणिपाग विभाग। एहा गोपालपुर ठारु पश्चिम दक्षिण पश्चिम को 510 किलोमीटर और आंध्र कलिंगपट्टनम ठारु 590 किलोमीटर दूर पश्चिम को रहिछि। एबे एहार बेग घंटा प्रति 12 किलोमीटर रहिछि। पाणिपाग विभाग आकलन अनुजाई एहा प्रथमे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो, परे पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगकु गति करी 26 तारीख संध्यारे दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर आंध्र प्रदेश दे अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। गोपालपुर विशाखापट्टनम मध्य दे कलिंगपट्टनम निकटरे एही बात्या स्थलभाग अतिक्रम करिपारे। तेबे एहार प्रभाव कंधमाल गंजाम रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर एवं गजपति आदि जिले में विशेष भाव देखा मिलिबो। एही सबु जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर खोर्धा नयागढ़ और पुरी आदि जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाय छि। एहार प्रभाव में एही सबु अंचल में प्रबल वर्षा होबा सह पवन मध्य बोहिबो। रविवार एवं सोमवार दिन मध्य वर्षा लागी रहिबो। बात्या प्रभाव रे अल्प पवन मात्र प्रबल वर्षा हेबो बोली एसआरसी देइछंती सूचना। जेउ सब जिला प्रभावित हेबार आशंका रहिछि आज संध्या सुधा तळिया अंचल को लोकों को स्थानांतरित करबा पई जिलापाल मानंकु निर्देश दिया जायछि। गजपति रायगडा भळे जिल्ला रे भूस्खलन हेबार संभावना अधिक रहिछि, सेथि पई जिला प्रशासन को एहा उपरे सतर्क दृष्टि रखिबाकु कुहा जायछि। जलसंपद विभाग तांकर रिजर्व स्थिति मध्य देखुछंति, समस्त सतर्क रहिछंति एवं प्रति मुहूर्त रे जे कोनोसे परिस्थितिर सामना करबाकु समस्तंकु सजग रहबाकु सूचना देइछंति एसआरसी प्रदीप कुमार जेना। तो बात्या कुने आ कोनोसे नुवा अपडेट आसिले मु आपण मानकु निश्चित भाबे जणाइबि। तो फ्रेंड देखा हेबो नेक्स्ट वीडियो रे।